हमने क्या किया कि ये एक कंप्लीट क्रिप्टोग्राफी बेस्ड सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें सारा कुछ ही आपका टाइम बेस्ड इंक्रिप्शन के साथ है, जियो बेस्ड इंक्रिप्शन के साथ है। और हमने क्या किया है कि कैंडिडेट को भी ओनर बना लिया है, स्टेक होल्डर बना लिया है। जब एक डिजिटल पेपर डिज़ाइन होता है, जब पेपर डिज़ाइन होता है और पेपर जो डिज़ाइन हो रहा है उस प्रोसेस को इतना का वो हमने ऑटोमेट किया है कि जिसमें कोई ह्यूमन अप्रोच है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है। नोबडी विल बी एवर सीइंग ए क्वेश्चन पेपर कि कौन सा क्वेश्चन आपका एक बना रहे हो। ये सारा जो प्रोसेस है, दिस इज़ ए सिस्टम ओरिएंटेड, सिस्टम ही बना रहा है ये सारा प्रोसेस, सिस्टम ही क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कर रहा है और सिस्टम ही रियल टाइम में उसको प्रिंट कर रहा है। जब कैंडिडेट का एक उसका जो की है वो जाके अपना एग्जाम सेंटर पे देता है, उस रियल टाइम पे के बेस पे वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट होता है। किस तरह से काम करेगा? तो ये सारा ही एक सिस्टम ड्रिवन है सारा सिस्टम, कि जब राइट फ्रॉम द डे वन, जैसे जब हमने कोई एग्ज़ाम करवाना है तो जो भी एग्ज़ाम बोर्ड है तो उसको हम एक कुछ प्रिविलेजेस देते हैं कि वो क्वेश्चन कंट्रीब्यूटर को ऐड करे, क्वेश्चन वैलिडेटर को ऐड करे और उनको पब्लिक प्राइवेट कीज दे उसकी, ठीक है। तो जैसे ही वो अपना ये काम करता है और जैसे ही उसके पास, जैसे सपोज करो कि 10,000-15,000 डेटा का बैंक बनता है कंट्रीब्यूटेड बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, तो फाइनल स्टेप पे जो सिस्टम है, और उसके पैरेलल हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे कैंडिडेट रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करते सारी उनका बायोमेट्रिक से लिंक होके एक की बन जाता है। और जैसे ही लाइक जब क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन भी करना है तो सिस्टम को वो एग्जाम बोर्ड इंस्ट्रक्शन ही देते हैं, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि मेरे को इतनी क्वेश्चन का पेपर दे दीजिए। और जैसे ये प्रोसेस हम करते हैं तो उसको हम एक डिजिटल पैकेट में लॉक कर देते हैं, जिसको आप अनलॉक उसी दिन रियल टाइम ही कर सकते हो जिस दिन पेपर है, और वो भी तब होता है जब वो कैंडिडेट की इन्वॉल्व होती है। लेकिन आज जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है, किस तरह से क्या लोगों को सुविधा मिलेगी इससे? हाँ जी, डेफिनेटली, क्योंकि अगेन ये जो सिस्टम प्रॉब्लम्स है जहाँ पे हम बहुत पुरानी प्रोसेस के साथ लगे हुए हैं कि आप प्रिंटिंग प्रेस में पेपर जा रहा है, प्रिंट हो रहा है, कितने हाथ एक्सचेंज हो रहे हैं उसमें, तो हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कहाँ पे जाके ये लीक हो रहा है। और जब हमने वो सारे चैलेंजेस आपके रिमूव ही कर दिए कि आपका जो पेपर है, जब आपने सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो एग्जामिनेशन सेंटर को प्रोवाइड करनी है, आपने अगर ये इंश्योरिटी कर ली तो ना तो आपको पेपर पहुँचाने की कोई प्रॉब्लम है, ना वहाँ से कलेक्ट करने की प्रॉब्लम है, वो सारा आप वही उसी सेंटर के बीच में ही पेपर प्रिंट होगा, कंडक्ट होगा और वहीं पे ही स्कैन होके वापस डीएलटी में चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो उनसे कैसे आप संपर्क साध रहे हैं या किसी से संपर्क हुआ है? हाँ जी, तो व्हाट वी हैव डन, हमने ना स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के नीचे ये इसको प्रोजेक्ट को निकाला है, तो वी गोट आर रजिस्ट्रेशन एज वेल, तो स्टार्टअप इंडिया के नीचे, और हमें लाइक इनोवेशन पंजाब से एक ग्रांट भी मिल रही है जिसको फिर हम यूज़ करेंगे इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए, स्केल करने के लिए। और हम वैसे भी रीच आउट कर रहे हैं जितने भी कोई गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह आते हैं, तो वी आर हैप्पी टू यू नो, और हमारा जो विजन यही है कि एक बड़ी स्टेट लेवल की या सेंटर लेवल की एक इम्प्लीमेंटेशन दे, ताकि ये जो हमने जो सिस्टम बनाया है, हमारा विजन है कि इसको एक डिफेक्टो प्रोटोकॉल एज ए लॉन्च करें, जो एक डिफेक्टो प्रोटोकॉल बन जाए नॉट ओनली इन एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन दी, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स हो गए आपके, लाइक सप्लाई चेन्स हो गए, फार्मर्स के इनिशिएटिव्स हो गए, तो कोई भी जो गवर्नमेंट रन ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव हैं जहाँ पे ट्रस्ट इज द मेन जो चैलेंज है। ये आपकी संस्था ही कर रही है या और भी संस्थाएं कर रही है? मैं कहूँगा कि हमने ही इसी को इनोवेट किया है, एज लॉन्ग एज कोई अभी तक कोई ऐसा हमें वर्जन अगर हमारे सामने कोई नहीं आया, और वी हैव ऑलरेडी हमने एक हिस्ट्री बनाई है बाय कंडक्टिंग 2 एग्ज़ाम हमने कंडक्ट किए हैं लास्ट ईयर दिसंबर में, जिसमें हमने हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब के लिए स्टाफ नर्सिस और अपना लैब टेक्नीशियन हायर करे थे थ्रू दिस सिस्टम। तो पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ होगा कि आपका एक क्वेश्चन पेपर है जो ट्रस्टलेस फैशन से डिज़ाइन हुआ, मतलब कोई सरकार से भी कोई संपर्क किया आपने? हाँ जी, हमने रीच आउट सभी को किया हुआ है, तो लेकिन सिस्टम अपना टाइम लेते हैं रिस्पॉन्ड होने करने के लिए, तो वी आर वेरी होपफुल कि दिस इनिशिएटिव विल बी हमारा नोटिस में आएगा एंड डेफिनेटली वी विल बी एबल टू मेक दिस रीजन एज वेल एंड एज वेल एज दी सोल्व दिस प्रॉब्लम इंडिया वाइड। बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर कुछ समझाने के लिए कि इस तरह का अगर प्रोसीजर आता है तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा? मैं कहूँगा वो एक बहुत ही छोटा चैलेंज है जो बच्चों का है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है, हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है, तो उनका उसके सिर्फ रजिस्ट्रेशन के तक का ही उनका काम है कि आपने रजिस्ट्रेशन करनी है सिस्टम में मोबाइल ऐप से, और सब कुछ अंडर द हुड ही हो रहा है, तो आपके बायोमेट्रिक से ही कंबाइन हो जाती है आपकी की,
तो जैसे ही आप रजिस्टर में जाके रजिस्टर अपना एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो एंड यू जस्ट लॉग इन इन टू द सिस्टम योर की इज ट्रांसफर टू योर इन्विजिलेटर। तो बहुत ही सिंपल और रोबस्ट सिस्टम है ये।